मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? तो देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सिंदूर भी मांग में अपने डाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मैंने सारा पीला कपड़ा पहना है। खास करके मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ तो खास करके मैं पीला कपड़ा ही पहनती हूँ, क्योंकि साईं बाबा की पूजा करना है मुझको। मैं साईं बाबा के नाम का ही व्रत रखती हूँ। बाबा मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं, मैं जो चाहती हूँ वो सब होता है। तो मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करती हूँ और इन्हीं के लिए मेरे मन में बहुत सारी आस्था भरी पड़ी है। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, चलते हैं हम पूजा करने। और हाँ, एक बात देखिए, मुझे नीचे से ऊपर तक कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? चल रहे हैं, बाल खुला करके पूजा नहीं करना, तो बाल को मैं ऐसे मोड़ लूँगी और अब जा रहे हैं पूजा करने। मैंने बाल को थोड़ा सा मोड़ लिया, कुछ लगाया नहीं मैंने, बाल में खुल जाएगा वो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँ ऐसे कर लूँ। हम अब ना मैं कपड़ा सिलती हूँ, जैसे सिलाई वगैरह कर देती हूँ किसी किसी के, तो कतरन रखा रहता है, तो मैं कतरन से ही बाबा के मंदिर को साफ करती हूँ नए कपड़े से। देखिए, निकाल लिया मैंने इसमें से कतरन, बहुत सारा पूरा झोला भर के कतरन मैंने रखा हुआ है। देखो, और हम चल रहे हैं बाबा के मंदिर की सफाई करेंगे। देखिए, मैंने सब साफ कर लिया है। ये इतना रोज नहीं होता क्योंकि मैं अभी सही नहीं थी, अब जाके मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं सफाई कर रही हूँ मंदिर का। तो देखिए, ये बाबा की फोटो है, पहले हम इनको तिलक उलक रख देंगे अच्छे से एकदम से। ये देखिए, चंदन है, मैंने डब्बे में से निकाल के इसमें थोड़ा सा घोल लिया है। देखिए आप, मैं अपने बाबा को ऐसे सजाती हूँ। पैर पे भी, उनके हाथ पे भी, देखिए ये देखिए यहाँ पे, ठीक देखे सब जगह लग गया। अब ये कुमकुम है, कुमकुम लगाएंगे। मेरे बाबा को चंदन और कुमकुम का तिलक बहुत पसंद है, तो हम इनको करेंगे चंदन और कुमकुम से तिलक। ये देखिए, ये मेरे बाबा है, बहुत प्यारे से हैं। मैंने इनको नहला दिया है, अब मैं इनको सजाऊंगी। देखो पास से, ये मेरे शाही बाबा है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। अब हम इनको बहुत प्यार से चंदन करेंगे। देखिए, ये देखिए, मैंने देखिए अपने भगवान के लिए ना बहुत प्यारे से कपड़े पहने हैं। देखिए इनको इसमें रखना, पास आ जाएगी थोड़ा सा ये ऐसे, मुझे नहीं, आज मेरे बाबा को देखिए। फिर मैंने इन्हें पहना दिया एकदम अच्छे से, वस्त्र धारण हो गया मेरे बाबा का। मेरे साईं, ये मेरे बाबा की बहुत प्यारी सी टोपी मैंने खुद बनाई थी अपने हाथ से, मैंने बनाई थी अपने हाथ से अपने बाबा के लिए।
ये देखिए, देखिए देख कितने प्यारे लग रहे, देखो। अभी जयारी दिखाते हैं, वही दिखाते हैं आप लोग को। गेम के लिए मैंने जनेवा बनाया था, ये मेरे बाबा की माला है बहुत प्यारी सी। ये देखो, ये देखिए मेरे साईं राम, ये देखिए। सब लोग बोलो प्यार से ओम साईं राम। हम इनको चले इनकी जगह पे विराजमान करा दे। अब हम चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं मैंने दीप भी जला दिया, अगरबत्ती भी। अब मैं जा रही हूँ, बाबा की 6 अध्याय होती है जिसे पढ़ने जा रही हूँ। तो अब मैं बाबा की कथा पढ़ूंगी और उसके बाद साईं बावनी पढ़ूंगी और उसके बाद मैं 11 वचन पढ़ूंगी और सब कुछ पढ़ते हुए फिर मैं बाबा की आरती करके पूजा को संपन्न करूंगी। और तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। ओके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा दुराजी अभिराज प्रभु। फाइनली मेरा पूजा हो गया है और दिखाते हैं आप लोग को बाबा को। देखिए मेरे साईं बाबा, और देखिए ये देखिए। अब मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब मैं चल रही हूँ। देखिए भगवान जैसे मेरी मनोकामना पूरी करते हुए वैसे मेरे सभी दोस्तों की भी मनोकामना पूरी करिएगा। और आप लोग, आज मैंने आपको अपना पूरा दिखा दिया, मेरा मैंने व्रत रखा, मैंने पूजा किया, सब कुछ दिखाया। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बस कुछ गलत कमेंट मत करिएगा बाबा के लिए, ठीक है? तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मेरे बाबा की ओदी लगी है, ये टीका लगा है, चंदन लगा है, सब लगा है। चलिए अच्छा ठीक है, बाय बाय। और जिसको जिसको प्रसाद खाना है वो आ जाइए, मेरे बाबा के यहाँ मैंने लड्डू चढ़ाया है, खा लीजिए और चलते हैं। बाय।